नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 25 तारीख को यानी कि कल मुख्यमंत्री जी डबवाली में आ रहे हैं एक रैली को संबोधित करने के लिए, और उनके आगमन की तैयारियां किस तरह से है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि मैंने एक 22 तारीख को आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जिस जगह से वो रिपोर्ट दिखाई थी उसी जगह पर आज फिर मैं खड़ा हूँ। रैली स्थल यहाँ से महज 100 मीटर दूर है, और उसी 100 मीटर दूरी पर मैंने आपको दिखाया था 22 तारीख को, ये सामने वही जगह है जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, पानी ठहरा हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी सही तरीके से यहाँ पे उसकी साफ सफाई कर दी गई है। यहाँ पे ये बजरी डाल दी गई है ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा हो। इसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी पानी था, जहाँ अभी आप ये कैमरा की नज़र पड़ रही है वहाँ पे पानी था। और इस पानी के अलावा अगर मैं आगे से आगे आपको दिखाना चाहूँ तो ये पूरा लंबा एरिया पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे मिट्टी डल के सफाई हो चुकी है, किसी तरह की बदबू नहीं है, किसी तरह का कोई गंदगी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, पूरे सही तरीके से यहाँ पे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी ओर दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लैक्स लगे हुए हैं उन फ्लैक्सों के पीछे जो गंदगी है वो मुख्यमंत्री जी को दिखाई ना दे, इसलिए यहाँ पे फ्लैक्स लगा दिए गए हैं, और उन फ्लैक्सों के नीचे थोड़ी बहुत सफाई व्यवस्था जरूर कर दी गई है। चलिए इसके अलावा आगे का थोड़ा सा हाल मैं आपको और दिखा दूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये जो रोड है ये पानी से भरा हुआ था, इसके साथ साथ पानी ठहरा हुआ था। और जूम करके अगर दिखाना चाहूँ तो ये पूरा जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ पे पानी ही पानी था, लेकिन अभी पानी का नामो निशान नहीं है, किसी प्रकार के कीचड़ का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मिट्टी डाल दी गई है, मिट्टी डाल के यहाँ पे पानी को सुखा दिया गया है और पूरे सही तरीके से इसको सुव्यवस्थित तरीके से साफ सफाई कर दी गई है। चलिए रोड पे मैंने आपको दिखाया ही था कि किस प्रकार का मंजर था, और साफ सफाई लगातार चल रही थी, और रंग रोगन भी डिवाइडरों पे किया जा रहा था, जहाँ पे डिवाइडर टूटा हुआ था उसका मेंटेनेंस का कार्य भी किया हुआ था। तो कुल मिलाकर के अगर मुख्यमंत्री के आने से एक दिन पहले और मुख्यमंत्री के आने से 3 दिन पहले का फर्क देखा जाए तो दिन रात का अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अक्सर ऐसा उसी समय क्यों होता है जब कोई मुख्यमंत्री आता है या कोई मंत्री आता है या फिर कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आते हैं तो सुविधाएं चाक चौबंद क्यों हो जाती हैं। आम लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पे रहना पड़ता है, जो यहाँ पे दिन रात रहते हैं, उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती, उनके लिए व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं की जाती, ये यहाँ पे एक बड़ा सवाल जरूर है। मीडिया का काम यही है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो लोगों तक उठाए जाएं, और ये भी एक उन मुद्दों में से एक है जो कि मुख्यमंत्री के आगमन के लिए चलते यहाँ पे सभी सुविधाएं सभी प्रकार से दुरुस्त कर दी गई हैं, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया। क्या ये कर्मचारी पहले यहाँ नहीं थे जो यहाँ पे सफाई की गई है? क्या ये आज से 6 दिन पहले कर्मचारी यहाँ नहीं थे? ये एक बड़ा सवाल उभर करके जरूर सामने आ रहा है। खैर, ये तो इस मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या स्थिति रहने वाली है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है ये सोचने वाली बात है। चलिए, जिस तरह भी होगा कोशिश हमारी यही रहेगी कि इन मुद्दों को लगातार हम उठाते रहें, और आपने अगर इन हमारे द्वारा उठाए हुए मुद्दों को देखना है, आप अपने मोबाइल तक इनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को के हरियाणा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक्टिविटी, हर रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचते रहे। कैमरा सहयोगी तारा सरेलिया के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।